2008 के टशन में अक्षय कुमार ने बच्चन पांडे के रूप में शुरुआत की और उन्होंने दर्शकों को और अधिक चाहने के लिए छोड़ दिया। 2022 तक कट और हमारे पास बच्चन पांडे नामक एक पूरी लंबाई वाली फिल्म है। ऑन स्क्रीन हम होली को खून से देखते हैं। बेबाक ट्रिगर खुश बच्चन पांडे। फिर वो एक आलोचनात्मक लेख प्रकाशित करने के लिए एक पत्रकार को आग लगा देता है। अब तक यह स्पष्ट है कि फिल्म निर्माता फरहाद सामजी नहीं चाहते कि हम उनके मुख्य किरदार को पसंद करें। बच्चन पांडे के शरीर में न तो कोई नर्म धब्बा है और न ही दया की हड्डी। वो केवल हर उस व्यक्ति को डराना चाहता है जो उसे देखता है। अफसोस की बात है कि फरहाद ने केवल फिल्मी क्लिच का उपयोग करके इसे हासिल किया। बच्चन पांडे काम करते हैं क्योंकि यह दो शैलियों को जोड़ती है जिनमें अक्षय को महारत हासिल है, एक्शन और कॉमेडी। अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग और घातक हरकतों के साथ वो एक्शन हीरो है जिसे आप प्यार करते हैं और नफरत करते हैं। कथानक बच्चन पांडे की विषमताओं के इर्द गिर्द केंद्रित है जो तब सामने आते हैं जब एक महत्वाकांक्षी मुंबई फिल्म निर्माता मायरा कृति सनोन उन पर एक फिल्म बनाने का फैसला करती है। माया इस खतरनाक पहल को अपने दोस्त विशु अरशद वारसी के साथ लेती है जो एक संघर्षरत अभिनेता है जो अपने पिता के अंतिम अनुरोध को पूरा करना चाहता है और इसलिए इस यात्रा में उसका साथ देता है। वे उसके गिरोह से दोस्ती करते हैं यह पता लगाने के लिए कि वो क्या कर रहा है, झूठ चीजें करते हैं और फिर उसकी नाक के नीचे यह सब करते हुए पकड़े जाते हैं। हम जानते हैं कि क्या हुआ क्योंकि बच्चन पांडे जिगर ठंडा 2014 की रीमेक है जो एक डर्टी कार्निवल 2006 से प्रेरित थी। फर्स्ट हाफ पेचीदा है लेकिन कहानी कई जगहों पर खींचती है जिससे यह एक जमहाई फेस्ट बन जाता है। बावजूद इसके कलाकार शो को जारी रखते हैं। तेजतर्रार गैंगस्टर के रूप में अक्षय एकदम सही है। इसका दिल और आंख सपाट है। यहाँ तक एक बुरे आदमी के रूप में उसकी सुंदरता सामने आती है, विशेष रूप से उसके प्राचीन ऑटोमोबाइल में स्लोमो चित्र। अंत में उसे एक बैकस्टोरी दी जाती है जो केवल जैकलीन फर्नांडिस को शामिल करने के लिए होती है। उनकी भूमिकाएं वर्षों में नहीं बदली हैं और ईमानदारी से उन्होंने अपनी चमक खो दी है। लेकिन कृति सनोन एक सेसी फिल्म निर्माता के रूप में प्रभावित करती है। वो न केवल अच्छी दिखती है बल्कि आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से प्रदर्शन भी करती है। अक्षय के साथ लम्हों में भी वो खुद को संभाल कर रखती है और शो को चुरा लेती है। मुझे अरशद वारसी के लिए सबसे ज्यादा दुख हुआ। इस तथ्य के बावजूद कि वो मजाकिया अजीब है और उसे बहुत अधिक स्क्रीन समय मिलता है, वो अपनी फिल्मोग्राफी में केवल एक और सहायक भूमिका जोड़ सकता है। फिल्म में कई गाने हैं जो समग्र रनटाइम में योगदान करते हैं लेकिन देखने या सुनने में उतने भयानक नहीं है। कुल मिलाकर बच्चन पांडे एक मसाला फिल्म है जिसे अक्षय कुमार के प्रशंसक पसंद करेंगे। एक दिलचस्प कथानक के साथ यह और भी बेहतर हो सकता था लेकिन अभी के लिए यह कॉमेडी प्रशंसकों के लिए एक बार देखने का अवसर है।